बैयारो राम राम। आप और देख रहे हो बुंदेली चुगली चैनल, हम है राजेंद्र त्रिवेदी। जैसो कि आप और उनका पता है भैया, शनिवार को दिन है, आज शनिदेव महाराज को, तो मऊ सानिया में एक शनिदेव महाराज को मंदिर है, सबई का पता है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत पुरानो मंदिर है। तो आज बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति भैया उतई से शुरुआत कर रहे हैं, हम आप लोगों का दर्शन करवा रहे हैं, फिर दर्शन के बाद हम दर्शकों से भी और श्रद्धालुओं से भी बात करके आप लोगों का बता भी देते कि अनुभव के बारे में, इतने की महानता के बारे में, इतने के चमत्कार के बारे में। तो सबसे पहले तो आप सभी जने शनिदेव महाराज के दर्शन करो और देखो भीड़ देखो कि आज शनिवार है, मंदिर तो बहुत है भैया, लेकिन भीड़ देखो कि कितनी भीड़ है, आदमी की कितनी बड़ी श्रद्धा है इस मंदिर में, शनिदेव महाराज के मंदिर में। और सबसे बड़ी विशेषता है कि नवग्रह की शांति के लाने नवग्रह तय, भैया दर्शन करो सभी जने शनिदेव महाराज के। बुंदेली चुगली चैनल की जो लाइव प्रस्तुति है, घर बैठ के देखो भैया, सभी जने दर्शन करो। हम एक एक दृश्य देखो, एक एक सीन देखो, अभी देखो एते पे जो तेल चढ़ाओ जा रहा हो शनिदेव महाराज का, देखो आप सभी जने जो लाइव प्रस्तुति के माध्यम से आप लोग घर बैठ के देखो, एते पे तेल चढ़ाओ जाओ शनिदेव महाराज का, अंदर मूर्ति विराजमान है, दर्शन करो भैया और सभी जने घर बैठ के इसको पूर्ण लाभ लो। देखो जहुत श्रद्धा भक्ति भाव, शनिदेव महाराज की महिमा को वर्णन तो जितनों करो जाए वो कम है, नौमे ग्रह हैं लेकिन सबसे तेज हैं और न्याय के देवता माने जाते, जैसो कि दुनिया जानत भी है भैया कि न्याय के देवता के रूप में शनिदेव महाराज की पूजा हो। अब ये दर्शन भी करत जाओ, इसके बाद हम आप लोगों का वृतांत भी बता भी, एक एक प्रसंग भी सुनवा भी, दर्शकन की भीड़ भी दिखवा रहे हम आप लोगों का कि कितनी अपार भीड़ होते थे। और आज शनिदेव हो सिर्फ शनिवार, बाकी कोनो ऐसा उत्सव नहीं है ना कोनो जयंती है। देखो इतने से शुरुआत होते हैं तो परिक्रमा भी लगाओ चले भैया। और जो सागर देखो कितनों बढ़िया तालाब है, थे बहुत बड़ो प्रसिद्ध जो राजन महाराजन के टाइम को तालाब है, जो पूरा भैया पीछे से जूम करके थोड़ी दिखा दूँ दर्शकन का, जो सब जगह दिखा दूँ तालाब पूरा। देखो तालाब भी बहुत पुरानो तालाब है, जो राजा महाराजन के समय को तालाब है। इत पर महाराज जी शनिदेव महाराज विराजमान है। अब देखो आप नौ ग्रह हैं, जो हमने आपका बताए थे कि सबसे बड़ी विशेषता है कि नौ ग्रह हैं, सभी ग्रहण की शांति के लाने एक ही स्थान पे आदमी आके नौ रूप शनि महाराज के जे हैं। देखो भैया वे रूप उनके दिखाए जा रहे जिन्हें नौ ग्रहण के नाम से जानत है आदमी, एक एक करके आप लोग दर्शन करो। इसके बाद इतने पुजारी जी मिले हैं, तो पुजारी जी से हम इनकी महिमा के बारे में बता भी, देखो जी हैं बृहस्पति देव, ये बृहस्पति देव हैं भैया। अलग अलग सभी मंदिर इतने बने हैं, ये बुद्ध देव हैं, श्री बुद्ध देवाय नमः, ये बुद्ध देव महाराज हैं। जो भैया मऊ सानिया मंदिर से लाइव प्रस्तुति है बुंदेली चुगली चैनल की, आज शनिवार है और शनिवार का इतने विशेष तौर पे आदमी दर्शनन के लाने आउ थे शनिदेव महाराज के लाने। ये शुक्रदेव भैया जो नौ ग्रह इतने विराजमान हैं उन्हीं के आए, तो जो एक एक ग्रह जितने हैं भैया सब मंदिर हैं, सबके मंदिर बने हैं। तो देखो दर्शन जी चंद्रदेव हैं भैया, देखो सुंदर तालाब भी है पीछे, तालाब बहुत मनोहारी दृश्य भैया, देखो कितनों अच्छो लग रहे थे, कितनों बढ़िया लग रहा है, प्राकृतिक छता इतने बिखरी है। ये है भैया चंद्रदेव के दर्शन करो आप सभी जने, ये चंद्रदेव हैं। अब आगे आ रहे हम, आगे हम आपका दिखा रहे मंगलदेव, ये है भैया राहु देव, ये राहु देव है। जो देखो भैया ते सेल्फी को भी आनंद लो यार, जो भी लाइव प्रस्तुति के माध्यम से दिखवा रहे हैं हम आप लोगों का, दिखवा दो थोड़ी दूर। देखो आदमी इतने भैया दर्शन भी करो, तो प्रकृति छटा जो बिखरी है तो उसमें आदमी अपने अपने यादगार पल भी कैमरा में कैद करे थे। आके लौट के भैया जी हैं भगवान भोलेनाथ, भोलेनाथ बब्बा जी विराजमान हैं, ये तो हर जगह राज हैं, देवाधिदेव महादेव।
नंदी महाराज विराजमान हैं। अब जो होगा भैया देखो इतने से ये शनिदेव मंदिर जो है देखो भीड़ देखो आप कितनी भीड़ है थे भैया इतने देख रहे अगर कोई मिल रहा तो कुछ दर्शकन से अभी बात कर रहे कोई ना कोई से बात करके जो जरूर बता दी। अच्छा इतने तो मोरे भैया कब से आए? हम तो आए 3 साल से आए लेकिन नहीं लॉकडाउन में नहीं आ पाए यहाँ। अच्छा भीड़ इतना ही होती है? हाँ भीड़ इसे बहुत ज़्यादा हो रही है अभी तक, अभी हाल कम हो गई है भीड़। आज काय के लाने? आज हम शनिदेव महाराज से जो ना हमें दुख कष्ट हैं उनका दूर करवे के लाने विनती करवे आए हैं। जो है भैया भक्ति भाव देखो दर्शक कितने हैं जबकि शनिवार का मंदिर पे आदमी जात जरूर है लेकिन इतनी अपार जन समूह इतनो अपार नहीं देखने का मिला, इतनी भीड़ नहीं देखने का मिला। तो मैं तो की संगे आई चाचा के संगे। चाचा के संगे दर्शन कर भी? हाँ। का मांगो शनिदेव से? कछु मांगो है अपने लाने? हाँ। का मांगी? विद्या मांगी? हाँ। कि हम खूब पढ़े लिखे अफसर बने? हाँ। देखो भैया जो है भक्ति भाव देखो जो है एक संस्कार जो भारतीय संस्कार है हमारी परंपरा है संस्कृति है कि बाम बताई के संगे परिवार के संगे छोटे छोटे बच्चा भी मंदिर में विशेष तौर पर आओ। भैया इतने आके कैसो महसूस हो? इधर आके शांति मिलती है और सर्व कर्म दुखों का निवारण होता है। जैसे कोनो भी मानता आदमी मानत है सारी मान्यताएं यहाँ पूरी होती हैं। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ तो ठीक है क्षेत्र का तो बात अलग है, बाकी मद्रास से भी लोग यहाँ पर आते हैं। मद्रास कलकत्ता के लोग भी यहाँ पर दर्शन करने आते हैं क्योंकि एक सिद्ध पीठ है। ये महिमा की मंदिर पे कछु चमत्कार कब को मंदिर है जो कब से बनो कछु को है क्योंकि जो 6 साल महाराज के टाइम को मंदिर है और अब कुछ जीर्णोद्धार कमेटी द्वारा करवाओ है और इतने शनिदेव के जो को भी अपनी मनोकामना लेके आओ बस सबकी पूर्ण होते बहुत दूर दूर। हाँ बहुत दूर दूर के आदमी आते थे और शनिदेव के थे अपनी अपनी जो भी मनोकामना आदमी करते थे शनिदेव महाराज की कृपा से वो सब पूरी होते थे। तो भैया ये महिमा इनकी है महाराज शनिदेव की कि बहुत दूर दूर से जैसे के दर्शक इतने की बता रहे हैं भक्त बता रहे तो बहुत दूर दूर के आदमी आके इतने दर्शन करत और जो कछु मन्नता मांगे थे वो पूरी हो। अब बुंदेली चुगली की जो लाइव प्रस्तुति भैया हमें तभी पर समाप्त कर भी फिर कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हम फिर हाजिर हो भी। तब तक के लाने भैया और सभी जनन का हमारी राम राम।